दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री का लॉन्ग रनिंग टीवी शो नागिन अब तक अपने 5 सीजन के साथ पर्दे पर दस्तक दे चुका है और ये सभी सीजन काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं, जिसका मेन रीजन आज भी सीरियल में नजर आने वाली अभिनेत्रियों को बताया जाता है। जहां कुछ अभिनेत्रियों ने नागिन का किरदार निभाते हुए अपनी खूबसूरती से तो दर्शकों का दिल जीता ही, साथ ही अपनी मासूमियत से भी दर्शकों से तारीफें बटोरती हुई नजर आई, जिनकी मासूमियत को दर्शक आज भी भूले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागिन सीरियल से फेमस हुई इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की मासूमियत ने जीता है दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल और बनाई है इस मामले में नंबर 1 पर अपनी जगह? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार सीरियल में नजर आई इन अभिनेत्रियों में से किसने जीता है अपनी मासूमियत से दर्शकों का सबसे ज्यादा दिल। नंबर 8, रश्मि देसाई। इस लिस्ट के 8वें नंबर पर अपनी जगह बनाई है अभिनेत्री रश्मि देसाई ने, जिन्हें नागिन सीरियल के 4th सीजन में शलांखा का किरदार निभाते हुए देखा गया था, जहां इन्होंने अपने सिंपल से लुक के साथ अपनी मासूमियत से दर्शकों का खूब दिल जीता था, जो कि हमें सीरियल में तो मासूम नजर आई थी, साथ ही ये अपनी रियल लाइफ में भी इतनी क्यूट और मासूम नजर आती है, जिन पर सभी अपना दिल हार बैठते हैं। नंबर 7, अनीता हसनंदानी। इस लिस्ट की 7वीं कड़ी में अभिनेत्री अनीता हसनंदानी का नाम शुमार है, जो नागिन 3 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नागरानी विशाखा का किरदार अदा करती हुई नजर आई थी, जहां भले ही हमें इनका निगेटिव रोल देखने को मिला था, पर रियल लाइफ में इनकी मासूमियत का कोई जवाब नहीं है। जहां चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और इनका दूसरों से बात करने का लहजा इनकी मासूमियत को साफ झलकाता है। नंबर 6, करिश्मा तन्ना। सीरियल नागिन 3 में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नागरानी रूही का किरदार निभाते हुए नजर आई अभिनेत्री करिश्मा तन्ना ने अपनी मासूमियत से जिस तरह दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, उससे साफ पता चलता है कि एक्टिंग के साथ साथ इनकी एक खूबी इनकी मासूमियत भी है, जो अपनी इस मासूमियत के साथ इस लिस्ट के नंबर 6 पर अपनी जगह बना चुकी है। नंबर 5, सुरभि चंदना। नागिन 5 सीरियल में नागरानी बानी की भूमिका अदा करती हुई नजर आई अभिनेत्री सुरभि चंदना भी अपने इस किरदार के चलते बहुत ही ज्यादा मशहूर हो गई थी, और आपको बता दें कि ये भी बहुत मासूम अदाकारा हैं। जी हाँ, ये छोटी छोटी बातों पर रो देती हैं और दूसरों के दुख को देख नहीं सकती, तभी तो ये अपनी मासूमियत के चलते नंबर 5 पर शुमार होती है। नंबर 4, कृष्णा मुखर्जी। कुछ तो है नागिन एक नए रंग में के साथ पर्दे पर नजर आई अभिनेत्री कृष्णा मुखर्जी ने जिस तरह से अपने नागिन वाले इस किरदार से दर्शकों का दिल जीता था, वो वाकई काबिले तारीफ था। वहीं आपको बता दें कि ये भी मासूमियत के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं है, जो किसी के दिल को नहीं दुखाती हैं और अगर गलती से भी किसी के दिल को ठेस पहुंचा देती हैं तो उनसे माफी मांग लेती हैं, और अपने इसी स्वीट से नेचर के चलते ये नंबर 4 पर अपनी जगह बना चुकी हैं। नंबर 3, अदा खान। इस लिस्ट के नंबर 3 पर अपनी जगह बनाई है अभिनेत्री अदा खान ने, जिन्होंने नागिन के 1st और 2nd पार्ट में नागरानी शेषा का किरदार निभाकर खूब पॉपुलैरिटी हासिल की थी, जो बहुत मासूम और क्यूट दिखाई देती हैं, सभी लोगों से हंसकर बातें करती हैं और किसी को भी उदास होता हुआ नहीं देख सकती, और इनके इसी स्वीट से बिहेवियर से ही साफ पता चलता है कि ये ब्रिलियंट एक्ट्रेस होने के साथ साथ मासूमियत में भी कुछ कम नहीं है। नंबर 2, सुरभि ज्योति। नागिन 3 सीरियल में बेला की भूमिका निभाकर लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों को जीतने वाली अभिनेत्री सुरभि ज्योति भी उन्हीं अभिनेत्रियों में से एक हैं जो मासूम है। ये बेशक देखने में ग्लैमरस दिखाई देती हैं, पर इनका स्वभाव बिल्कुल मासूम सी लड़की जैसा है। जी हाँ, ये लड़ाई के वक्त कड़वे शब्द बोल देती हैं, पर कुछ टाइम बाद लड़ाई को भूलकर उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगती हैं, और इसी वजह से इनका नाम इस लिस्ट के नंबर 2 पर शुमार है। नंबर 1, मौनी रॉय। जी हाँ, अभिनेत्री मौनी राय ही हैं वो एक्ट्रेस जिन्होंने नागिन सीरियल के 1st और 2nd पार्ट में शिवन्या और शिवांगी का किरदार निभाकर सिर्फ पॉपुलैरिटी हासिल नहीं की, बल्कि अपनी मासूमियत से भी इस लिस्ट के नंबर 1 पर अपनी जगह बनाई है। जी हाँ, क्योंकि ये सीरियल में भी बहुत मासूम और छोटी बातों पर रो देती हैं, वहीं रियल लाइफ में भी ये बहुत मासूम होने के साथ साथ सभी लोगों की मदद करती हैं और सबके दुख को अपना दुख समझती हैं, तभी तो ये नंबर 1 पर शुमार है। वेल दोस्तों, नागिन सीरियल से फेमस हुई इन अभिनेत्रियों में से किस अभिनेत्री की मासूमियत ने आपका दिल जीता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।